मैं चाहता हूं कि आप इन 5 सिचुएशंस को पढ़ें और हर एक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएं। अच्छा चलिए, आपके लिए पहला वाला मैं ही बना देता हूं, बाकियों पर आप कोशिश कर सकते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टेबल का टॉप समझे और यहां पर बॉक्स रखा है। ये फ्री बॉडी डायग्राम सारी फोर्सेस को जो उस पर एक्ट कर रही है उसे दिखाता है। फर्स्ट, यहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही है, वो नीचे की ओर होगी, और एक नॉर्मल फोर्स है जो ऊपर की ओर एक्ट कर रही है। क्योंकि फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, बॉक्स बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, ये इसी तरह रेस्ट करेगा। और ये भी ध्यान दें कि एरोज का साइज सेम है, ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और नेट फोर्स जीरो है। अब आप दूसरे सिचुएशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छे से पढ़ लें। यहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद होगी और बॉक्स को नीचे की डायरेक्शन में पुल करेगी, क्योंकि वो टेबल पर रखा हुआ है। वहां पर ऊपर की ओर एक इक्वल और ऑपोजिट नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है। अब हमने जो लिखा है उस पर आते हैं। एक राइटवर्ड फोर्स एक्सेलरेशन से बॉक्स को मूव करेगी टेबल के अक्रॉस राइट की ओर। यहां एक्सेलरेशन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी बदल रही है, और क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं। ऊपर की और नीचे की फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड फोर्सेस का क्या? अब क्योंकि राइट से एक फोर्स अप्लाई की गई है, हम एक एरो राइट की ओर दिखाएंगे। क्या बॉक्स पर कोई लेफ्टवर्ड फोर्स होगी? क्योंकि हमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने के लिए कहा गया है, तो सिर्फ लेफ्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी। और क्योंकि बॉक्स तेज रफ्तार से राइट की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन की फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा अप्लाइड फोर्स से, जो राइट की ओर है, और इसलिए अप्लाइड फोर्स का एरो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से साइज में बड़ा होगा। तीसरी सिचुएशन बहुत ज्यादा दिलचस्प है, कोशिश करें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। यहां कहा गया है कि बॉक्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट की ओर मूव हो रहा है। किसी भी केस में ग्रेविटेशनल और नॉर्मल फोर्सेस बॉक्स पर एक्ट करेंगी, पर इस समय अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, इसलिए दोनों एरोज का साइज सेम होगा। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, ये बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होती रहेगी। और याद रखें, हमें कहा गया है एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने के लिए। अब क्या आप चौथे और पांचवें सिचुएशंस के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने की कोशिश करना चाहते हैं? चौथे केस में पहले हम डिस्कस करते हैं उन फोर्सेस को जो एक्ट कर रही है स्काई डाइवर पर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी जो स्काई डाइवर को नीचे पुल कर रही है, क्योंकि यहां पर टेबल या ग्राउंड नहीं है, नॉर्मल फोर्स मौजूद नहीं होगी, और स्काई डाइवर पर कोई अप्लाइड फोर्स भी नहीं है। लेकिन क्योंकि स्काई डाइवर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होगी। वो कौन सी फोर्स है जो कैंसिल करेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को? जी हां, वो एयर रेजिस्टेंस है। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यह है चौथे सिचुएशन का फ्री बॉडी डायग्राम। मैं चाहता हूं कि आप अभी पांचवे को बनाएं। ये इस तरह दिखेगा। क्योंकि यह फ्री फॉलिंग है, इसका मतलब है कि यह एक्सेलरेट कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड एयर रेजिस्टेंस फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। इसके साथ आप फोर्सेस की बेसिक्स को समझ गए हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दूसरे वीडियोस को जरूर देखें।